में से कि नहीं। क्या बात, मैं दो पुल के ना इस टाइम बीच में हूँ भाई। ये देखो इस साइड, ओ यार मैं कौन से एरिया में आ गया यार। ये देख रहे हो भाई कितनी बड़ी बड़ी चीलें हैं यहाँ पे। ओह क्या बात है यार। तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके, आई होप सब बढ़िया होंगे। सॉरी यार मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया किसी रीज़न की वजह से। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4 और अभी मैं निकल रहा हूँ व्लॉग करने खूबसूरत को। मे भी हो सकता है कि ऑफ रोड देखने को मिले अपनी एंटॉर्क पे। वैसे मैंने काफ़ी सारे ऑफ रोड करे हुए पहले, जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके प्रीवियस वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। निकलते हैं, मुझे पहले फ्यूल भी इसमें फिल करवाना है। गाइस कल ना मेरा लास्ट डे था कॉलेज का, तो अब आई होप कि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आए, ताकि हमें जो है डिग्री हमारी मिल जाए और हम आगे फर्दर एडमिशन ले सकें। सो गाइज एक प्लान बन रहा है मेरा लॉन्ग राइड का, अब देखते हैं कि कहाँ की लॉन्ग राइड होने वाली है। कल ना मैं अपनी पुरानी वाली वीडियोस देख रहा था भाई साहब, मतलब एग्जॉस्ट से ना इसे निकलने का ना एक अलग ही मज़ा आता था, क्योंकि एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी प्यारी होती थी, आप सबको पता ही है। और आप लोगों ने एग्जॉस्ट पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया था गाइज। तो यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सिदरा तक ना राइड करते हैं अच्छे से, लेकिन डर भी है कि तेल अगर ख़त्म हो गया फिर खजल हो जाऊँगा सिदरा वाले हाईवे पे। तो बीच में से चले। ओह क्या बात है यार, सिग्नल भी खुल ही चुका है यार, बस अपनी एंटोर ना बंद नहीं होनी चाहिए। और ये भाई आगे निकाल क्यों नहीं रहा भाई। नहीं 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 गाइज ना, पावर नहीं है, पावर होती ना फिर ये गैप निकलते अच्छे से। अंकल ओहो क्या बात है, सही 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 सही। और ये चलो निकल ही गया होपफुली अच्छे से। तुम्हें ये गाय वगैरह मिलती है ना ऐसे रास्ते में रोडों पे, तो भाई इनके सामने से ना बिल्कुल प्यार से चलो यार। यार मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यार वो वीडियो, देखो मतलब सीन हो गया यार, इसीलिए आराम से चलना ठीक है। आप लोगों ने देखी ना वीडियो, ये चक्कर होता है यार, मतलब जानवरों के पास ना बिल्कुल आराम से चलो यार। यहाँ पे पुलिस आ गई है भाई, मेरे ख्याल में आगे बाइकर्स वगैरह तो नहीं होंगे। आज कितने टाइम के बाद मैं सिधरा आया हूँ यार, और ये ट्रक्स वाले भी ना कभी कभी जानबूझ के मतलब इधर उधर कर देते, तो ऐसे में ना बंदे को थोड़ा सा वो रहता है। तो देखते हैं भाई, पहले हमें फ्यूल भी फिलअप करवाना, क्योंकि फ्यूल जो है थोड़ा कम है। लीन मारने का काफ़ी मन है यार, लेकिन कैसे मारूँ। ओ गाइस पत्थर था बीच में रोड के, ट्रैफिक वाले खड़े होंगे। ये देखो बोला था ना आपको ट्रैफिक वाले खड़े होंगे। सो गाइस ये रही एसपी स्मार्ट की बस, तो मैं भी एसपी स्मार्ट में पढ़ता होता था यार, बस को देख के ना वो पुरानी वाली यादें जो है ना वो वापस आ गई हैं भाई। तो ऑफ रोड जो है यहीं से स्टार्ट हो चुका है हमारा, अभी ना ऑफ रोड थोड़ा नॉर्मल है कि ना थोड़ा और ये बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर ना एक ड्रिफ्ट मारते भाई। ओ भाई साहब क्या बात है यार, कितनी प्यारी ड्रिफ्ट रिकॉर्ड हुई है भाई। यहाँ पर मारते हैं। ओ भाई कहाँ चला गया हूँ मैं झाड़ियों में। ओ भाई स्लिप कर रहे हैं टायर यहाँ पे यार, ड्रिफ्ट क्या बज रही है यार यहाँ पे। ओ भाई मज़ा आ रहा है यार, पीछे धूल देख रहे हो कैसे उड़ रही है। ओ यार मैं कौन से एरिया में आ गया हूँ यार, ये देख रहे हो भाई कितनी बड़ी बड़ी चीलें हैं यहाँ पे। ये कहीं मुझे उड़ा के ना ले चली जाए भाई। देखो हम कुछ इस तरह की लोकेशन पर पहुँचे अभी, यहाँ पे ना मतलब काफ़ी कम मैं आया हूँ यार, और आप लोगों को भी ना मैंने काफ़ी कम दिखाया, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं यार यहाँ पे ऑफ रोड वगैरह एंजॉय करते हैं। और यहाँ का व्यू ही देख सकते हो आप लोग यार, कितना प्यारा व्यू है। ये देखो भाई ऑफ रोड, ये रही यहाँ की वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई पूरी रेत से भरी है, पता नहीं निकल पाता हूँ इसमें से कि नहीं। क्या बात है यार, अपनी एंटॉर्क में पावर तो है भाई। ओ भाई बहुत डिफ़िकल्ट है यार, जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं।
अब इंशाल्लाह अपनी बाइक आएगी तब तो मतलब दूर दूर निकलेंगे और आप लोगों को दूर दूर का व्यू इंजॉय करवाएंगे। मैं दो पुल के ना इस टाइम बीच में हूँ भाई, ये देखो इस साइड। अगर तुम ऑफ रोड कर रहे हो ना भाई तो अपने हाथों को ना तुम्हें इतनी मजबूती से पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि तो ऑफ रोड में ना यार यहाँ पे ना हद से ज़्यादा रेत है और रेत में ना टायर आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा स्लिप होते हैं भाई। हाथों की ग्रिप जो है ना वो अच्छी नहीं ना होगी तो भाई लुढ़क सकते हो तुम। ये देखो ये कहाँ मैं रेत में घुस गया भाई। ओ भाई क्या बात है यार। गाइस ये रही कुछ लोकेशन और ये रही अपनी रेड डेविल। मैं काम करता हूँ अपनी हेलमेट निकाल के ना यहाँ पे रख देता हूँ साइड पे कहीं पत्थर पे, तो गोप्रो में अच्छे से एंगल रिकॉर्ड हो जाएगा है ना, तो ट्राई करते हैं भाई। तो गाइस यहाँ से ना निकलने का वक्त आ चुका है, तो कैसे लगी आपको ड्रिफ्ट वगैरह सब कुछ कमेंट करके बताना मुझे। और ये यार शाम की ना वाइब्स ही अलग हैं भाई। अरे आगे चल रही है भाई लेजेंडरी बाइक पल्सर 220। ये बाइक जब आई थी ना यार नई मार्केट में तो मतलब इसका बड़ा रोला था और आज भी है यार, मतलब इस बाइक का ना मुकाबला ही नहीं है कोई। मुझे लगता है भाई यहाँ पर लीन वगैरह कुछ मारने वाला है। ओ भाई सनसेट में लीन क्या बात है। तो दिल थाम के बैठो। ओ ओ ओ ओ भाई अंकल क्या बात है यार, आप लोग सनसेट एंजॉय करो यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। हम पहुंच चुके हैं यहाँ नरवाल। ओहो फ्लाई भाई, तो भाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार। आगे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, अच्छा इसीलिए रुक गया ये बंदा। ट्रैफिक वालों का भी अलग ही रोल है भाई, दूर से देख के बाइकर लोग ना पीछे ही रुक जाते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि भाई प्लेलिस्ट एक बना के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका एक प्लेलिस्ट ना ऑफ रोड वाली बना दूंगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक करना मेरी सारी ऑफ रोड। ओ भाई तो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो आई होप। ओ भैया कहाँ पे, आप लोगों को पता ही है यार कि आप लोगों को क्या करना है, जब लाइक कमेंट और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और आप लोग मुझे कमेंट भी करते हो कि भाई आपकी वीडियोस हमें पसंद आती हैं, तो थैंक यू सो मच यार उसके लिए। मतलब मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोग ना उस मेहनत को अप्रिशिएट करते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़।